शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक आपने देखा भाईजा द्वारा अपने आदेश की अवहेलना के पश्चात कुलकर्णी अप्पा पाटिल को अपने वाड़े पर आमंत्रित कर उनके सामने दो विकल्प रखता है, या तो जितना भोजन परोसा जा रहा है उतना भोजन करें, या अपने साईं को खुश श्रीडी से बाहर निकालें। उधर भाईजा तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो वहां पहुंचकर तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। अब आगे, आप तो बड़ी समझदार हो, आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहां से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अप्पा जी खाते खाते हरी ओम हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हो? चमत्कार हमारी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं बन सकता लक्ष्मी, और ना ही ये किसी के सामने हमें खुद को साबित करने का माध्यम बन सकता है। चमत्कार की शक्तियां तो दूसरों की मदद करने के लिए होती हैं। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज तुम जलेबी खाना चाहती हो, लेकिन आप कैसे जान गए कि मुझे जलेबियां खानी है? और कोई है जिसके पास आज बहुत जलेबियां हैं? और अगर वो इतनी सारी मिठाइयां, इतनी सारी जलेबी अकेले खाएगा तो उसे नुकसान पहुंच सकता है, और इस स्थिति में तुम उस भद्र पुरुष की मदद कर सकती हो। तो बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो फिर बहुत सारी मिठाइयाँ खानी पड़ेंगी। इससे अच्छी क्या बात होगी? जलेबी, तो इतनी गर्म है, करारी भी, कहाँ से आई? यहीं, शिरडी से। शिरडी से? लेकिन शिरडी के किसी भी दुकान में मैंने ऐसी जलेबी देखी ही नहीं है। भाईजा माँ, अब तुम ही बताओ, शिरडी में इस समय ये जलेबियाँ कहाँ मिल रही हैं?
इसका मतलब कि साईं ना सिर्फ मेरा दुख जानता है बल्कि अप्पा जी की सहायता भी कर रहा है। बड़ी स्वादिष्ट है। अभी तो बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है तुम्हें। सच? लो अब लड्डू खाओ। लड्डू? लड्डू तो मोनी को भी बहुत पसंद है। अरे तुम सोच क्या रही हो, बुलाओ मोनी को भी और हाँ उसके सारे दोस्तों को भी बुलाओ, बहुत मिठाई खानी है। जाओ जल्दी जाओ। मैं जो भी खा रहा हूँ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो मेरे पेट में न जाकर कहीं और जा रहा है। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ देख क्या रहे हो? परोसो और परोसो। पूरा परोस दो। परोसने में संकोच क्यों? परोसिए, अभी तो मैं और खाऊंगा। समाप्त हुआ, कोई बात नहीं, मुझे घर जाकर भी भोजन करना है। दादा, ये आदमी है कि दानव? 50 लोगों का खाना खाकर कह रहा है और भी खाएगा, भूखा कहेगा। Oh,
आज जाने दे रहा हूं अप्पा जी, अगली बार क्षमा नहीं करूंगा, समझ गए ना? लड्डू ये लक्ष्मी खाएगी। बस बस अब पेट फट जाएगा। अरे तो फिर ये आखिरी है। चलो चलो। अरे कोई बात नहीं भाई, जय श्री राम जी की इच्छा। घर जाओ भाईजा मां, सब अच्छा है। क्या भाईजा मां, फिर वही मैंने आपको समझाया था ना, अल्लाह मालिक। सरकार के नए बनाए हुए नियमों ने मेरे हाथ बांध के रखे हैं, वरना कब का उस बैरागी को शिरडी से बाहर निकाल कर फेंक देता हूं। घर की सत्ता में अपनी पकड़ बनाने का ये मौका कैसे चूक सकती है ये चूताई। दादा दादा बोल। दादा आपको परेशान देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतना कह सकती हूँ जो कुछ हुआ है ना उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। गलती तो खाना बनाने वाली की है। आपने 50 आदमी का खाना बनाने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं लगता है 10 आदमियों से ज्यादा का खाना बना हुआ था। और कम खाना बनने की वजह से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। नन्हे नन्हे हाथों से और कितना काम करोगी? आपने इतना कुछ खिला दिया, पहले उसे हजम तो कर लो। सुना, तुम्हारी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आई कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, मोनी नहीं बताती मुझे, तो पता नहीं चलता तू यहाँ है। चल घर चल, सुबह घर से कुछ खा के भी नहीं निकली थी तू। आई, साई ने मुझे और मेरे दोस्तों को इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। खाना वाना गिर गया था ना, वही साफ कर रही थी। साई का घर ऐसा गंदा थोड़ी ना छोड़कर जा सकती हो। इनसे पहले कभी नहीं मिली हो ना तुम, मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। आई चल तू घर चल, बहुत देर हो गई है। आई लेकिन साफ सफाई में पहले साई की मदद तो कर लो। नहीं तुम चलो यहाँ से। आई मुझे साई की मदद करनी है। लक्ष्मी सब कर तो दिया है तुमने,
सब अच्छा तो है, देखो तुम पर अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे और दूसरों की मदद करने का ये जो जज्बा है ना, इसे कभी मत खोना। मदद कैसी? आपने तो मुझे साफ सफाई पूरी करने ही नहीं दी। तुम्हारी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा मदद कर चुकी हो तुम मेरी, और तुम्हारी ही तरह अगर दुनिया का हर इंसान सबकी मदद करने लगे तो ये दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है किसी की मदद करने के लिए। मेरी प्यारी गुड़िया, मदद करने की सबसे पहली सीढ़ी है नियत। नियत? नियत रखो, क्षमता अपने आप आ जाएगी। अंधेरे को चीरने के लिए किसी पहाड़ को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा, उसकी रोशनी सब तरफ फैल जाएगी। पता नहीं दिन भर कहां कहां घूमती रहती है, किस किस से बात करती है। अपने आप से क्या बातें कर रही हो आई? साई से मिलकर अच्छा लगा ना। उन्होंने मोनी को ठीक किया है, अच्छे इंसान होंगे। लेकिन जानती है ना, कुलकर्णी सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी उस फकीर की मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने कुलकर्णी सरकार को बता दिया तो वैसे भी सब लोग मौका देखते हैं हमें परेशान कर। लेकिन साई तो इतने अच्छे हैं, उनको किसी से क्या बैर। देखा पंता जी, मुझे देख के कैसे घबरा गई माँ बेटी। आपकी सूरत ही ऐसी है कि कोई भी घबरा जाए। चलिए सवाल कीजिए। सवाल? कैसा सवाल? नहीं पता तो चलिए पीछे आइए। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? साई के पास से। क्या कर रहे थे वहाँ? जलेबी खा रहे थे। जलेबी? उस बैरागी के पास कहाँ से आ गई? कितनी बनी थी जलेबी? 40-50। 40-50? इतनी सारी जलेबी अप्पा पाटिल कैसे खा गया? 5 मैंने खाए और बाकी दोस्तों ने। जलेबी तो आज सरकार के घर पे भी बनी थी ना? सिर्फ जलेबी खाई या कुछ और भी? माफ करना, हमें देर हो रही है, बच्ची कुछ भी बड़बड़ाती है। पीछे। मेरे सवाल का जवाब ना देना मतलब सरकार के सवाल का जवाब ना देना है। उत्तर दो, सिर्फ जलेबी खिलाई या और पकवान भी खिलाए थे उस भिखारी ने? भिखारी नहीं है वो, उन्होंने हमें जलेबी ही नहीं भजिया भी खिलाई और लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भजिया और वड़ी कितने लोगों के लिए बनाई गई थी? 50 लोगों के हिसाब से बनाई थी। 50 लोगों का खाना?
अप्पा पाटिल अकेला खा गया। असंभव, केवल असंभव। असंभव क्यों? मैंने कहा ना, साई के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो हर असंभव को संभव कर देते हैं। वड़े, लड्डू, भजिया, जलेबी, ये सब अप्पा पाटिल खा गया। ये सब कैसे हुआ कोई बताएगा मुझे? जो तू सही कह रही है, इसने खाना कम बनाया है और अब ये झूठ बोल रही है। अगर अप्पा पाटिल इतना सारा खाना खा लेता तो वो जीवित नहीं बचता। जाते वक्त वो ये भी कह गया कि वो घर जाके और खाना खाएगा। ये तो वैसे हो गया जैसे वो कुबेर के घर पहुंचे गणेश और सारा खाना अकेले ही खा गए। कुबेर का अहंकार जो टूटा था ना, या तो अप्पा पाटिल गणेश है या फिर हमारे घर पर खाना कम बना है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर 50 लोग भी आ जाते ना तो खाना कम नहीं पड़ता। जरूर कोई और कारण है। क्या और क्या कारण हो सकता है रुक्मिणी, बता। अपनी फूल को किसी और पे थोपना चाहती है तू? फूल नहीं, मुझे तो लगता है ये तेरा ही षड्यंत्र है। आप ऐसे कैसे सोच सकते? सोच सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ। उस बैरागी के प्रति तेरे मन में बड़ी सहानुभूति है। उस दिन भी मेरे ना कहने पर तूने उसे भिक्षा दी। तेरे ही कारण उसने मेरा अपमान किया। और तुम्हें सोचा होगा कि कहीं अप्पा पाटिल पराजित हो गए तो उस बैरागी को शिरडी से जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने अच्छे पति के पराजय की कामना करने वाली स्त्री तो राक्षसों में भी नहीं थी। लेकिन मनुष्यों में है, जू मनुष्यों में है। आप लोग गलत समझ रहे हैं मुझे। तो सही क्या है? अप्पा पाटिल ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। साई कहाँ चले गए होंगे? आपने साई को देखा क्या? अपने को नहीं पता। आपने साई को देखा है? साई! समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। पूरे गांव को चावड़ी पे बुला लो, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे। हरिओम।